विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न संगठनों की ओर से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न विद्यालयों के करीब 300 बच्चों ने भाग लिया। चित्रकला प्रतियोगिता व क्विज कॉम्पिटिशन के दौरान बच्चों ने पर्यावरण से संबंधित एक से बढ़कर एक चित्र बनाए व अपनी प्रस्तुतियां दी। बच्चों के हौसले को बुलंद करने के लिए वन विभाग, प्रदूषण विभाग, कंपनी बाग विकास सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी सहित विभिन्न सामाजिक संस्थानों के अधिकारी व सदस्य पहुंचे। विजेता प्रतिभागियों को अधिकारियों ने प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कृत किया। इस दौरान बच्चों को आयोजकों के द्वारा पौधारोपण के लिए पौधे भी गिफ्ट दिए गए। डॉक्टर मित्तल ने कहा कि कोरोना काल के दौरान पर्यावरण का महत्व सभी ने समझा है। जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। नदी, सागर, पेड़, पौधे, बाग, बगीचे, पहाड़, सभी से मिलकर पर्यावरण बना है और इन सबका संतुलन बनाए रखने के लिए पौधारोपण करना, हरे वृक्ष की कटाई पर रोक लगाना जरूरी है। बच्चों को पर्यावरण के प्रति सजग होने का संकल्प दिलाया, क्योंकि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेवारी प्रत्येक व्यक्ति की है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज हमने रेड क्रॉस सोसाइटी, वन विभाग, प्रदूषण विभाग, आरडीएनसी मित्तल फाउंडेशन, लायंस क्लब अलवर मास और कंपनी बाग विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया है। ये सबसे पहले तो मैं सबको विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं साउथ और फेलोशिप का भी हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि वे अच्छी संख्या में और यहाँ पर हमें सहयोग दे रहे हैं। बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। श्री कालरा साहब का मैं हार्दिक धन्यवाद दूंगा और वो अपनी फ्री साइज से अपना वो बना रहे हैं कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें, चाहे वो पेड़ों को बचाने की मुहिम हो, चाहे प्लास्टिक। निवेदन है कृपया बच्चों को ड्राइंग बनाने दें प्लीज, आप हरियाणा से, और इससे ही पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो आज हमारे जजेस भी हैं, सारे हमारे अधिकारी भी हैं, पूरे कंपनी बाग में बहुत अच्छा माहौल है और सब लोग बड़े तन्मयता से, जो बच्चे हैं वो अपनी ड्राइंग बना रहे हैं और जजेस जो है 8 बजे इनका एक तरह से निर्णय करेंगे और कौन से इनको फिर पौधे ही वितरित करेंगे इनको प्राइजेज में भी। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, आप देख रहे हैं, आपने सबकी वीडियो बनाई होंगी और बच्चे, मुझे लगता है कि शायद आज के बच्चे हमारे बहुत भविष्य हैं और यदि ये समझ जाएंगे कि हमको सुरक्षित रखना है पर्यावरण तो ही हम रह पाएंगे, चाहे वो नदी हो, समुद्र हो, पहाड़ हो, मैदान हो, चाहे बाघ हो, विकास हो, कुछ भी हो, हमें इनको सबको बहुत सुरक्षित रखना है, साफ रखना है, प्लास्टिक सबसे कम यूज करना है, नहीं करना है, तो ही हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। तो आपको बहुत बहुत